हेलो ट्रेनीज हाउ आर यू ऑल वेलकम टू आर चैनल ब्रेनी ट्रेनी मैं हूं संदीप और आज है वेडनसडे और आपको तो पता ही है वेडनसडे को क्या हो किसकी टर्न होती है टेस्ट सीरीज की तो आज सबसे पहले ये टेस्ट सीरीज़ जो टू यो जो मैंने लास्ट वेडनसडे को आपको क्वेश्चन पेपर दिया था और आपको बोला था कि आपके पास वन वीक है आप इसके आंसर्स मुझे ज़रूर सेंड करना तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे आंसर्स आए हैं तो उनके नेम भी मैं इस वीडियो में अनाउंस करूंगी जिन्होंने अच्छा टेस्ट दिया है लेकिन नेम अनाउंस करने से पहले ये क्वेश्चन पेपर हम सारा पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं नेम्स अनाउंस करूंगी और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ थ्री का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगी वो होगा चैप्टर नंबर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से तो आप अगर आपने ये जो वीडियो देख रहे हैं अगर आपने आंसर्स दिए हैं तो आप इस सोल्यूशंस को भी अच्छी तरह से देखना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है और उसके अलावा जिन्होंने आंसर्स नहीं दिए वो भी इस वीडियो को इस सॉल्यूशंस को जरूर देखें और जो नेक्स्ट सीरीज में उनको दूंगी उन उन सीरीज़ के आंसर्स मुझे ज़रूर सेंड करें इससे क्या होगा कि जब आपके लास्ट फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी क्लियर तो चलें अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आर ब्रेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो एंड सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस के इक्वल्स टू जीरो हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है इनफाइनइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको गिवन है तो ये दो इक्वेशन सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके सोल्यूशंस मैंने पहले से निकाल के रखे हैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और ये जो आप मेरी नोटबुक देख रहे हैं इस पर मैंने अच्छी तरह से सोल्यूशंस पूरे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जब आपने फाइनल एग्जाम्स में आंसर में आंसर्स लिखने हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके तो पहले आपको जो दो इक्वेशंस गिवन है कंपेयर दे करेंगे और इक्वेशन टू को ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास ए वन बी वन सी वन की

तो इट मीनस जिन्होंने आंसर टेन लिखा है उनका आंसर ये बिल्कुल ठीक है उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे स्टेटमेंट है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई थर्टी फाइव ओवर एक्स प्लस वाई प्लस फोर्टीन ओवर एक्स माइनस वाईक्वल्स टू नाइनटीन ये एक तो दो इक्वेशंस गिवन है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स प्लस वाई है यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई है सेम इस साइड पे भी वही है डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई इस साइड पे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई तो हम क्या करेंगे वन ओवर एक्स प्लस वाई को यू और वन ओवर एक्स माइनस वाई को वी लेट कर लेंगे तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी थर्टी फाइव यू प्लस फोर्टीन वी इक्वल्स टू नाइनटीन इधर बनेगी फोर्टीन यू प्लस थर्टी फाइव वी इक्वल्स टू थर्टी सेवन तो इस तरह से जो आपकी दो इक्वेशन गई आप उनको लिख लेंगे उसको इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू दे देंगे उसके बाद इसके दो मैथड्स हैं सॉल्व करने के मैं दोनों मैथड्स आपके साथ डिस्कस करूंगी आपको जो मैथड अच्छा लगे आप उसी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इलिमिनेशन मैथड आपके यहां पे लगाऊंगी तो इलिमिनेशन मैथड में अगर हम यू को इलिमिनेट करें तो हम यू के कोफिशेंट्स को एक दूसरे की इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन का यू का कोफिशियंट है फोर्टीन तो फर्स्ट इक्वेशन को हम फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे आप मल्टीप्लाई थ्रू आउट द टर्म करना है मींस के तीनों नंबर्स के साथ करना है एक के साथ नहीं करना इसको कहते हैं इलिमिनेशन मेथड और उसके बाद सेकंड इक्वेशन को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि फर्स्ट इक्वेशन के यू का कोफिशियंट है तो हम यही लाइन लिख देंगे इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाईक्वेशन वन बाईन टू बाईटी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया तो अब हम हम इसको इलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करेंगे तो साइन हम एक का चेंज नहीं करेंगे अगर एक का करना पड़ा तो हमें सबके करने पड़ेंगे तो वो हम सेकेंड इक्वेशन में से चेंज करेंगे ये जो नीचे लिखी हुई है तो ये साइन सारे ऊपर प्लस 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 के थे तो नीचे माइनस माइनस हो गया ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू आई तो v की वैल्यू ये सब कुछ कट होके वन आ गया तो v की वैल्यू जो वन आई वो हम इन दोनों इक्वेशंस ये दो इक्वेशंस हमने इक्वेशन वन एंड टू निकाल ली है इसमें से एक में सबसे करेंगे तो हमारे वहाँ से हम हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर वन में सबसे किया तो यहाँ पर यू की वैल्यू आ गई वन बाई अब यू है वन बाई सेवन है वन तो हमने यू को क्या लेट किया था वन ओवर एक्स प्लस वाई को हमने यू लेट किया था तो यू यू की जगह हम वन ओवर एक्स प्लस वाई लिख देंगे विच इज इक्वल टू वन ओवर सेवन तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई सेवन सिमिलरली यहाँ पे एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई वन ये दो इक्वेशन और हमारे पास एक्स और वाई के फॉर्म में आ गई इट मीनस कि अब इनको दोबारा से सॉल्व करना होगा इक्वेशन नंबर थ्री और फोर को बाय एनी मैथड चाहे सब्सटीट्यूशन मैथड लगाए चाहे इलिमिनेशन लगाए किसी भी मैथड के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड लगाया है तो इलिमिनेशन मेथड में वाई वाई कैंसिल तो यहाँ से एक्स की वैल्यू y फोर और वही एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे या यहाँ पे दोनों में से एक में सब्सिट्यूट करें तो आपके पास वाई आ जाएगा तो आपका आंसर क्या है इसका आपका आंसर आएगा एक्स इक्वल्स टू फोर एंड वाई इक्वल्स टू थ्री तो इसका दूसरा मेथड क्या है जब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे एडिंग वन एंड टू तो इस साइड क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू तो जब आपने एडिंग किया तो यहां फोर्टी नाइन यू प्लस फोर्टी नाइन वी टू फिफ्टी आया तो इस साइड पे सब्ट करने के बाद ट्वेंटी आया अब आपको वो नंबर कॉमन लेना है जो नंबर राइट एंड साइड डिनोमिनेटर में जाके ऊपर नीचे प्रॉपर कैंसिल हो जाए तो इसलिए मैंने सेवन कॉमन लिया तो सेवन फिफ्टी के आ, साथ कट हो गया वो एट आ गया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई ऐसे ही इधर थ्री कॉमन लिया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई इसको इक्वेशन थ्री एंड फोर दे दो अब यहां पे आपके पास थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो यहां से u और v की वैल्यू सेम वही निकलेगी जो मैंने अभी पहले बताई उसके बाद x और y निकाल लेंगे तो u और v आपका u वन बाई सेवन आ गया उसी को फिर u को हमने वन ओवर एक्स प्लस वाई लिखा तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की इक्वेशन आई सेवन इक्वल टू सेवन ऐसे ही यू की वैल्यू वन बाई सेवन हमने सब्सिट्यूट करी दूसरी इक्वेशन में वहां से वी वन आ गया तो यहां से दूसरी इक्वेशन आ गई अगेन हम यहाँ से अब एनी मेथड अप्लाई करके एलिमिनेशन या सब्सिट्यूशन तो सिमिलर सेम हम वैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे चेंज कहाँ पे आया सिर्फ यहां पे यहाँ पे मैंने थोड़ा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग की ताकि ये आपकी जो यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन बहुत लंबी चली जाती है उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की क्लियर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इन टू वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट इफ़ देयर ग्राफ विल अब ग्राफ कंसिस्टेंट कब होंगे तो मैंने आपको जो पेज नंबर फोर्टी सिक्स है एनसीईआरटी बुक पे उस पर जो टेबल है मैंने आपको वो मार्क करवाया हुआ है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छी तरह से लर्न कर ले उसको दिमाग में बिठा ले तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ लिखाई हुई है कि कंसिस्टेंट होता है या तो आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो या आपका ग्राफ हो कोई लाइंस पे तो यहाँ पे इट मीनस कि वो आपके पास दो पॉइंट्स आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी और को इंसिडेंट भी तो फर्स्ट पॉइंट तो नहीं आएगा डो नॉट इंटरसेक्ट एनी एट एनी पॉइंट ये नहीं आएगा को इन आएगा लेकिन इसके साथ इंटरसेक्टिंग भी होगा इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं आएगी कट द एक्स एक्सिस सी ऑप्शन भी नहीं आएगी तो इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट और दे को इन विद ईच अदर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं इफ ए एम इक्वल्स टू बी एल देन फाइंड वेदर द Pair of linear equation Ax plus By equals to C and Lx plus My equals to N has no solution, unique solution, or infinitely many solutions. तीन दिए हैं आपने एक सोल्यूशन बताना है इसको सॉल्व करके कि कौन सा ये निकलता है तो सबसे पहले जो दो इक्वेशन गिवन है उनको हम जनरल फॉर्म में कंपेयर करेंगे जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर में बताया तो जनरल फॉर्म में कंपेयर करने के बाद आप ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू की वैल्यू आप इन दो गिवन इक्वेशन से निकाल लेंगे अब आपको एक तीसरी कंडीशन गिवन है वो कंडीशन क्या है ए एम इक्वल्स टू बी एल तो अगर हम ए वन ओवर ए टू यहाँ पे देखें तो वो आता है ए ओवर एल तो ए के नीचे क्या आएगा एल तो यहाँ से हम जो राइट हैंड साइड पे एल है वो इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एल के साथ ए के साथ नीचे आ गया इस बी में ये वाला एम यहाँ नीचे आ गया तो ये किसकी वैल्यूज थी ए किसकी वैल्यू थी ए वन की और एल किसकी वैल्यू थी ए टू की उसके बाद बी वैल्यू थी बी वन की और एम किसकी वैल्यू थी

डाउन स्ट्रीम तो 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 की तरफ उसको फोर्टी किलोमीटर मतलब की तीन गुना ज्यादा टाइम लगता है तो हमने स्पीड किसकी फाइन करनी है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइन करनी है तो जो चीज हमें फाइन करनी है उसको हम x किलोमीटर पर आर ले लेंगे तो आप क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एक्स किलोमीटर पर आर और स्पीड ऑफ द बोट आपको गिवन है फाइव किलोमीटर पर आर ठीक है उसके बाद अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की कंडीशन क्या होती है अपस्ट्रीम में हमेशा माइनस होता है और डाउन स्ट्रीम में वाई होता है प्लस होता है वो कैसे होता है मान लीजिए आपके पास ये बोट है ये बोट गिवन है ठीक है अगर तो बोट भी इसी साइड जा रही है और जो पानी है नीचे उसकी डायरेक्शन भी इसी साइड है दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो ये हमेशा मान लो कि स्पीड ऑफ द बोट हमारे पास जैसे y है और जो पानी की स्पीड है वो हमारे पास x है तो दोनों सेम साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आ जाएगा दैट इज x प्लस वाई इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं वो x प्लस वाई आ गया लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए अगर हम बोट बनाएं तो अगर बोट आपकी इस साइड जा रही है लेकिन पानी की जो स्पीड है वो इस साइड को है तो ऑपोजिट डायरेक्शन आई तो अपोजिट डायरेक्शंस में क्या आ गया एक्स माइनस वाई ये आ गया अपस्ट्रीम में तो अभी हमें यहां पे एक्स और वाई नहीं लिया हमें एक जो बोट स्पीड ऑफ द बोट है वो तो हमें फाइव किलोमीटर पर आर गिवन है तो इट मीन्स वो हमारे पास क्या आ गया फाइव माइनस एक्स और फाइव प्लस एक्स तो हम क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम फाइव माइनस एक्स स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम फाइव प्लस एक्स डिस्टेंस हमें 40 किलोमीटर दोनों में गिवन है हम टाइम निकालेंगे अपस्ट्रीम का तो टाइम का फॉर्मुला क्या होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड तो वो क्या आ जाएगा 40 ओवर 5 माइनस एक्स टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम 40 ओवर 5 प्लस एक्स आ गया तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन उन्होंने कहा था कि अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम विच इज इक्वल टू तीन गुना ज्यादा लगता है है हाँ ना डाउन में तो थ्री मल्टीप्लाई बाय हम डाउन का टाइम ले लेंगे तो यहाँ पे 40 40 कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किया तो आपके पास x की वैल्यू आई 10 बाय फोर उसकी कटिंग की तो फाइव बाई टू पॉइंट्स में आंसर निकाले तो टू पॉइंट फाइव अगर आप पॉइंट में नहीं निकालते फाइव बाई टू भी रहने देते हैं तो वो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ दैल्यूज एंड एंड सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर हैव नंबर ऑफ दिंगस आपको एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है सोल्यूशन आपको कौन सा गिवन है इनफेनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन तो फिर अगेन वही कहूंगी कि दोनों इक्वेशन जो आपको गिवन है उनको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू की वैल्यू यहां से इक्वेशन से निकाल लें उसके बाद आप जो भी आपको गिवन कंडीशन है आपको कंडीशन कौन सी गिवन है फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव इनफनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो उसकी कंडीशन क्या होती है ए वन ओवर ए टू इक्वल्स टू बी वन ओवर बी टू इक्वल टू सी वन ओवर सी टू तो इक्वेशन से आप वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो आप फर्स्ट टू एम माइनस वन ओवर थ्री को किसके इक्वल लेंगे फाइव बाई टू तो क्रॉस मल्टीप्लाकेशन करके एम की वैल्यू आएगी सेवनटीन बाय फोर फिर आप सेकेंड टर्म और फाइव बाय टू के इक्वल लेंगे तो वो भी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी इलेवन बाय फाइव नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर सेवन ए एंड बी आर द टू पॉइंट्स 150 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे टू कार स्टार्ट ए एंड बी एट द सेम पॉइंट इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 15 आर्स देखिए आपके पास टू पॉइंट्स हैं दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना गिवन है 150 किलोमीटर ठीक है एक कार स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से दूसरी कार स्टार्ट होती है बी पॉइंट से दोनों सेम टाइम पे ही स्टार्ट होती हैं तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए तो वो फिफ्टीन आवर्स के बाद एक दूसरे के साथ मीट करेंगी इफ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वो वन आवर में ही मीट कर जाएंगी तो हमें उनकी स्पीड कार्स की जो स्पीड्स है वो फाइन करनी है तो पहले जो स्पीड हमने फाइंड करनी है उसको हम एक्स और वाई ले लेंगे तो हम क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ द कार वन फ्रॉम ए एक्स किलोमीटर पर आर स्पीड ऑफ द कार टू फ्रॉम बी वाई किलोमीटर पर आर तो हम केस वन में पहले सेम डायरेक्शन की तरफ चलते हैं तो सेम डायरेक्शन मान लें एक पॉइंट है ए और बी इन दोनों का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर कार वन इस यहां से स्टार्ट हुई कार सेकेंड यहां से हुई दोनों सेम डायरेक्शन में है तो चलते चलते सी पॉइंट पे जाके दोनों कार्स आपस में मिल जाती हैं

और उसका टाइम कितना है उसको पंद्रह घंटे लगे तो वो आ गया फिफ्टीन इन एक्स तो फिफ्टीन एक्स हो गया वन फिफ्टी प्लस तो कार टू की स्पीड कितनी थी वाई और उसको भी टाइम कितना लगा उसको भी पंद्रह घंटे लगे तो वो आ गए फिफ्टीन वाई हम क्या करेंगे फिफ्टीन वाई को इस साइड ले जाएंगे फिफ्टीन कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन फर्स्ट इक्वेशन आ गई अब हम चलते हैं केस टू पे वो है ऑपोजिट डायरेक्शन

तो यहाँ पे डिस्टेंस का अगेन फॉर्मुला क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम तो स्पीड तो एक्स है लेकिन टाइम अब एक घंटा लगा तो वन आर आएगा टाइम वन आएगा तो वन को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स ही होता है सिमिलरली इधर भी वाई आएगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन फिफ्टी ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी तो दोनों इक्वेशन को बाय एनी मेथड सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू आएगी एट्टी और वाई की वैल्यू आएगी सेवेंटी तो आप लास्ट में लिखोगे स्पीड ऑफ कार वन फ्रॉम पॉइंट ए एट्टी किलोमीटर पर आर स्पीड ऑफ कार टू बी बी नहीं कार टू कार टू फ्रॉम पॉइंट बी इक्वल्स टू सेवेंटी किलोमीटर पर आर ये होगा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स व्हेन इज एडेड टू बोथ द एंड डिनोमिनेटर इट बिकम सेन इज अब्रेट फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है इट मीन न्यूमिरेटर एक्स और डिनोमिनेटर अगर वाई ले लें तो फ्रैक्शन क्या आ गई एक्स ओवर वाई तो फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि इफ वन इज वन इज एडेड टू बोथ इट मीन एक्स प्लस वन वाई प्लस वन तो इक्वेशन फ्रैक्शन क्या आएगी फोर तो इक्वल्स टू आ गया फोर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आ गई एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू थ्री सिमिलरली यहाँ पे वन सब्ट होना है दोनों में न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में तो एक्स माइनस वन ओवर वाई माइनस वन इक्वल्स टू क्या फ्रैक्शन है, है? तो किया तो यहां से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई तो यहां से भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स और वाई को सॉल्व करते करते वाई आ जाएगा थ्री और एक्स आ जाएगा फिफ्टीन तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी एक्स ओवर वाई फिफ्टीन ओवर थ्री क्लियर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे थ्री एक्स प्लस फोर वाई रेशियो एक्स प्लस टू वाईल टू नाइन रेशियो फोर ये कंडीशन गिवन है आपको वैल्यू किसकी निकालनी है थ्री एक्स प्लस फाइव वाई ओवर थ्री एक्स माइनस वाई की तो चार ऑप्शन आपको गिवन है तो सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है हम उसे लिख लेंगे उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो लास्ट में आपके पास आएगा थ्री एक्स इक्वल्स टू टू वाई यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो ये थ्री इधर डिनोमिनेटर में चला गया टू ओवर थ्री वाई आ गया अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव वाई रेशियो थ्री एक्स माइनस वाई उसको हमने फ्रैक्शन में लिखा लेकिन जो एक्स की वैल्यू हम टू ओवर थ्री वाई निकाल के आए वो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ से थ्री थ्री कैंसिल हो गया यहाँ पे टू वाई प्लस फाइव वाई आ गया इस साइड पे टू वाई माइनस वाई आ गया इसको सॉल्व किया तो सेवन वाई ओवर वाई वाई के वाई कैंसिल तो सेवन ओवर वन तो रेशियो क्या आ गई सेवन रेशियो वन तो सेवन रेशियो वन कहाँ है सी ऑप्शन पे तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा दोनों लगाएंगे तो दोनों मेथड्स के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन जहां पे दोनों मेथड्स आ जाते हैं वो थ्री मार्क्स में आता है एग्जाम्स में तो इसमें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देती हूँ एक्स की वैल्यू आएगी टू और वाई की वैल्यू आएगी वन तो अगर आपको प्रॉपर ये सोल्यूशंस चाहिए नोटबुक से तो आप इंस्टाग्राम पे जाए ब्रेनी ट्रेनी को फॉलो करें और वहाँ पे मैं इसकी सारी इमेजेस पोस्ट कर दूंगी ताकि आप इनके प्रॉपर सल्यूशन्स देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने फाइनल एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर राइट तो अब मैं स्टूडेंट्स के नेम अनाउंस करूंगी जिन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है टेन मार्क्स तो किसी के नहीं आए लेकिन नाइन मार्क्स काफ़ी स्टूडेंट्स के आए हैं तो नंबर वन पे इश्मीत कौर अमृतसर श्री गुरु हरकृष्ण इंटरनेशनल स्कूल नंबर टू शिवानशी बांसल न्यू डेली श्री वनकाश्वर इंटरनेशनल स्कूल नंबर थ्री पे श्रियांशी सिंह हाथरस दून पब्लिक स्कूल ऐश्वर्या कोकिल रायपुर छत्तीसगढ़ जतन देवी दगा हायर सेकेंडरी स्कूल कीर्ति श्रीवास्तव महाराष्ट्र मुंबई के वी एस आई एन एस पांडे प्रयागराज यूपी केंद्रीय विद्यालय स्कूल माधवी मिश्रा अयोध्या यूपी सेंट एग्जेवियर स्कूल इन सब के नाइन मार्क्स आए हैं उसके बाद सेवन मार्क्स जिसके आए हैं एट मार्क्स किसी के नहीं आए सेवन मार्क्स आए हैं अर्श खान गाज़ियाबाद न्यू चिल्ड अमेजिंग चिल्ड्रन अकेडमी उसके बाद सेवन मार्क्स के बाद जिनके सिक्स मार्क्स आए हैं उनके नेम है श्री राजन राजपुर राजापुर चित्रकूट यूपी कौशंबी प्रेसिडेंसी स्कूल सिक्स मार्क्स अपूर्वा साहू भुवनेश्वर वेम्स स्कूल आपके भी सिक्स मार्क्स आए हैं उसके बाद प्रशांत मेरठ बी पब्लिक स्कूल आपके भी सिक्स मार्क्स आए हैं तो ये उन स्टूडेंट्स के नेम थे जिन्होंने टेस्ट अच्छा किया है तो अब नेक्स्ट सीरीज में भी कोशिश करना आप फुल में से फुल मार्क्स जरूर लेके आना और टेस्ट को ज़रूर जु, अटैम्प्ट करना इससे आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होगी वेल डन टू ऑल ऑफ यू तो अब मैं आपको दे रही हूँ टेस्ट सीरीज थ्री वो है चैप्टर नंबर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसके आंसर्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं इसकी प्रॉपर आपको इमेज इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी लेकिन वो अभी नहीं मिलेगी आफ्टर थ्री फोर डेज बाद मिलेगी जब मैं कम्युनिटी पोस्ट करूंगी उसके बाद आप इंस्टाग्राम में इसका क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं क्लियर तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख लें वीडियो पॉज करके यहाँ से भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन तो आपको पांच ऑप्शन गिवन है आपने बताना है कि इसमें से कौन सी कॉर्डेटिक कॉर्डेटिक इक्वेशन है तो ये आपको वन मार्क में आ सकता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर टू है सॉल्व फोर्टीन ओवर एक्स प्लस थ्री माइनस वन इक्वल्स टू फाइव ओवर एक्स प्लस वन तो इसको आपने सॉल्व करना है ये थ्री मार्क्स में आपको आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच एक्स इक्वल्स टू थ्री ओवर फोर एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्स बी एक्स माइनस सिक्स टू जीरो आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इस जो इक्वेशन आपको गिवन है इसके रूट्स भी आपको गिवन है तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है

इनके रूट्स इक्वल गिवन है टू इक्वल रूट्स मीन की नेचर आपको गिवन है आपको के की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर सेवन फाइन द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स केयर प्लस फाइव के एक्स प्लस तो इसका भी नेचर गिवन है नो रियल रूट्स इस यहाँ पे वो भी कंडीशन अप्लाई करके आपको के की वैल्यू निकालनी है कॉर्डेटिक इक्वेशन आपको गिवन है तो इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे पहले नेम अपना लिखेंगे सिटी नेम लिखेंगे स्कूल का नेम लिखेंगे स्कूल का नेम ऑप्शनल है नहीं लिखना चाहते तो मत लिखें आंसर्स लिखेंगे नंबर वन डाल के फिर उसका आंसर नंबर टू डाल के उसका आंसर नंबर थ्री डाल के इसका आंसर तो प्लीज़ मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा आपके पास टाइम लिमिट है मंडे नाइट तक मंडे नाइट तक आप मुझे आंसर सेंड कर सकते हैं उसके बाद मैं अपनी लिस्ट बना लेती हूँ तो ट्यूसडे को आंसर मत सेंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो आएगी टेस्ट सीरीज़ फ़ोर पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर वीडियो को देख पाएंगे फाइनल एग्जाम्स आने तक आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एवरी